बिना चना को उबाले बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी चाट मसाला की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में चैनल पे आप मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़, और साथ में बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चना चाट मसाला। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है चना को उबाले बिना। चना को मैंने उबाला नहीं है और सिर्फ 10 मिनट में ये जो नाश्ता है, ये जो चाट है चना मसाला की, ये बन के रेडी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत लोगों को झंझट लगता है चने को भिगोए उबाले फिर बनाए, लेकिन आज मैं इसे बिना उबाले बताऊंगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई गर्म करने रखेंगे हम। कढ़ाई में 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे जो तेल मैंने ऐड किया है ये ऑयल सरसों का तेल है। तेल गर्म होने देंगे, तब तक ये देखिए यहाँ पे जो मैंने चना लिया है इसे मैंने अच्छे से भिगो दिया है। ये थोड़े अंकुरित हो गए हैं क्योंकि इसे भिगा के 2 दिन हो चुका था, और आप नॉर्मल चना भी ले सकते हैं, अंकुरित चना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे चने जो है वो अंकुरित हो चुके थे तो मैंने ये ले लिया है। तेल गर्म हो जाने पे ऐड किया है मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हींग 1 से 2 पिंच के लगभग, और इन दोनों चीज़ों को हम पक जाने देंगे। फिर हम इसमें अपने जो चने लिए थे वो चने ऐड कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि चने की क्वांटिटी जितनी हो तेल उतना थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करिए, तभी जाके ये चने जो है एकदम क्रिस्पी बनेंगे, एकदम टेस्टी बनेंगे और ये बिल्कुल भी कच्चे कच्चे नहीं आएंगे। अब हम इसे ढक देंगे। ढक करके हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट तक इसे छोड़ दिया था, उसके बाद इसे ओपन करके मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जो चने हैं हमारे ये पकने शुरू हो चुके हैं और बीच में ये अच्छे से फूट चुके हैं। मतलब अगर आपके चने आपने अच्छी तरह से भिगोया है, अच्छी तरह से वो फूट चुके हैं, तो ये बहुत ही आसानी से पक जाते हैं। तो यहाँ पर चना जो है पक चुका है, मतलब काफ़ी पक चुका है 80% तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर या 1 से 2 पिंच, साथ में 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, साथ में 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर मसालों को चने में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे पकने देंगे वापस। तो यहाँ पर मैं नमक भी ऐड करूँ इस टाइम पर, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसे फिर से पकने देंगे। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि मसाले की कोटिंग चने पे अच्छी तरह से ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट तक मैंने चने को पकने दिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा एक प्याज, बारीक कटा हुआ एक टमाटर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च मतलब तीखा आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है और अच्छे से पकने देना है। तो ये जो प्याज और टमाटर है इसका थोड़ा कच्चापन ही इसमें अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे बाद में ऐड किया है। और अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। ढक देते हैं स्लो फ्लेम पे करके। और ये देखिए ये जो है चना हमारा ये पक चुका है। इसमें जो मॉइस्चराइज़र होता है प्याज और टमाटर में, उससे ये जो चना हमारा थोड़ा बहुत कच्चा रहता है वो और भी अच्छी तरह से पक जाता है। साथ में 1 चम्मच यहाँ पे मैंने अमचूर मसाला या चाट मसाला ऐड कर देंगे। मैंने ड्राई मैंगो पाउडर ऐड किया है और उसके साथ हरी धनिया की पत्ती, और ये दोनों चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स करके। साथ में लास्ट में हमने यहाँ पे नींबू का रस ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद है और इस चने को मैंने सिर्फ 8 से 10 मिनट ही पकाया, इससे ज़्यादा मैंने इसे नहीं पकाया है। और जो चना है एकदम सॉफ्ट क्रिस्पी बन के रेडी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई ज़रूर करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये चना मसाला की रेसिपी कैसी लगी। है ना, बिना किसी झंझट के झटपट बनने वाली ये रेसिपी। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चेक कर अपना ध्यान रखिए।